हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ आया हूँ। दोस्तों आज हमारी सीपीसीटी एमएस एक्सेल की 10वीं क्लास है दोस्तों, और इसी के साथ आपको मालूम होगा 7 और 8 तारीख को सीपीसीटी के पेपर कंडक्ट करा लिए गए हैं। और जैसे ही पेपर सीपीसीटी की साइट पर अपलोड होंगे, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए किस कुंजी को प्रेस करते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस ए है F2, बी F3, सी F4 और डी F5। हमारे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा DF5। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नई वर्कशीट ऐड करने की शॉर्टकट की है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है Alt+Shift+F2, बी Alt+Shift+F1 और सी Alt+Shift+F4 और डी Alt+Shift+F3। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी Alt+Shift+1। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है Shift+F3, बी Shift+F और सी Ctrl+F3 और डी Alt+F3। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा Shift+F3। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट करने का सही फॉर्मूला है। अकाउंट करने का सही फॉर्मूला है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है $count दोनों तरफ से कोष्टक बंद, और बी =count कोष्टक बंद दोनों तरफ से, और सी #count कोष्टक दोनों तरफ से बंद, और डी @count कोष्टक दोनों तरफ से बंद। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों बी, यानी =count दोनों तरफ से कोष्टक बंद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सेस में डेटा इंटर करने की शॉर्टकट की है। एक्सेस में डेटा इंटर करने की शॉर्टकट की है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं, इनके जो चिन्ह हैं। तो पहला है Ctrl+अनुपात, और बी Ctrl+2 और सी Ctrl+, ये भी एक अनुपात का चिन्ह है दोस्तों जैसे भी हो, और डी है Ctrl+1। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन बहुत बार मैं बता भी चुका हूं, आप लोगों को इसका आंसर भी मालूम होगा। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है Ctrl+H और बी Ctrl+K और सी Alt+S और डी Alt+K। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही होगा, वह हो जाएगा हमारा Ctrl+K, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है टैब, बी होम, सी एंड और डी एस्केप। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा, यानी टैब। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और नौवां क्वेश्चन हमारा ये रहा। नौवां क्वेश्चन है, सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की है। सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की है। आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है Ctrl+Shift+9 और बी Ctrl+Shift+$ और सी Shift+F7 और डी Alt+10। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों बी हो जाएगा, हमारा Ctrl+Shift+$। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन है हमारा, सेल में परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की है। सेल में परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+9 और बी Ctrl+Shift+10 और सी Ctrl+Shift+% परसेंटेज और डी है F+10। आपको इसका आंसर मालूम ही होगा, इसका आंसर है Ctrl+Shift+% यानी परसेंटेज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, सेल में
एक्सपोनेंट नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की है। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, और बी है हमारा अल्ट प्लस 9, और सी है अल्ट प्लस 10, और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ग्रेटर देन वाला ऑप्शन है दोस्तों, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी ही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और 12वां क्वेश्चन है हमारा, सेल में डेट फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की है। सेल में डेट फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की है, तो आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है शिफ्ट प्लस 10, और बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज, और डी सी है हमारा शिफ्ट प्लस 1 प्लस कॉमा, और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज। इसके द्वारा हम अपनी डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, सेल में डेट फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की है, तो वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, पूरी रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। पूरी रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है शिफ्ट प्लस स्पेस, और बी है कंट्रोल प्लस स्पेस, सी अल्ट प्लस स्पेस, और डी F9। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह पहला ए ही हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। आइए चलते हैं इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर। और 14वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन है ओपन वर्क बुक्स को स्विच करने की शॉर्टकट की है। ओपन वर्क बुक्स को स्विच करने की शॉर्टकट की है, आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है कंट्रोल प्लस F5, पी कंट्रोल प्लस F6, और सी है कंट्रोल प्लस F7, और डी है कंट्रोल प्लस F9। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंट्रोल प्लस F6, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, कॉस इवन फैक्ट और EXP किस कैटेगरी के फंक्शन है। COS कॉस इवन और फैक्ट EXP किस कैटेगरी के फंक्शन है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, डाटा, बी मैथ या ट्रिक, और सी है हमारा डाटा, और हमारा डी है स्ट्रिंग। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बी, यानी मैथ और ट्रिक। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, 16वां क्वेश्चन है किसी सक्रिय कक्ष या श्रेणी के निचले दाएं कोने में छोटे काले वर्ग द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए है कॉफी हैंडल, बी फिल हैंडल, और सी इंसर्ट हैंडल, और डी बॉर्डर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिल हैंडल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में डेटा श्रृंखला को किस रूप में परिभाषित किया गया है। आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है टाइप ऑफ चार्ट, बी ए सेल रेफरेंस, और सी है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, और डी ए डिवीजन ऑफ रिजल्ट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फिल कलर बटन का क्या प्रयोग है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फिल कलर बटन का क्या प्रयोग है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड, बी टू ऐड बॉर्डर्स, और सी टू सिलेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ फिगर्स, और डी है टू ऐड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा टू ऐड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल के हेल्प मेनू में निम्नलिखित में से कौन सी टैब पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए है कंटेंट्स टैब, और बी आंसर विजार्ड टैब, और सी इंडेंट्स टैब, और डी नन ऑफ अबव। तो देखते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी, यानी नन ऑफ द अबव, यानी कोई नहीं। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है हमारा, लेबरेट कॉलम द रो के साथ खाली स्थान एक ग्रिड है।
ले रेड कॉलम तथा रो के साथ खाली स्थान एक ग्रिड है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ए है डायलॉग बॉक्स, बी वर्क शीट और सी क्लिपबोर्ड और डी टूल बार। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी यानी वर्क शीट। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है हमारा एक्टिव सेल। नीचे डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ए है ऑप्शन इज डिफाइंड बाय ए बोल्ड बॉर्डर अराउंड द सेल और बी है रिसीव्स द डाटा द यूजर एंटर्स और सी है इट इज द फॉर्मूला बार और डी है ओनली ए एंड बी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी यानी ए और बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। और 22वां क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कौन सा फंक्शन मूल्य ध्वास वापसी की दर भविष्य मूल्य तथा ऋण भुगतान मात्रा की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है लॉजिकल, बी मैथ एंड टेक्रोमेट्री और सी स्टेटिफिकल और डी है हमारा फाइनेंशियल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी यानी फाइनेंशियल। आइए चलते हैं क्वेश्चन 21 के दो गए हैं दोस्तों इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है हमारा बी 7 अनुपात बी 9 दर्शाता है। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ए है सेल बी 7 एंड सेल बी 9 ओनली और बी है हमारा सेल बी 7 थ्रोक बी 9 और सी है हमारा सेल बी 8 ओनली और डी नन ऑफ द अबव। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी यानी सेल्स बी 7 थ्रोक बी 9। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर और हमारा 23वां क्वेश्चन है कैंसिल तथा इंटर बटन खाली स्थान पर प्रकट होता है। कैंसिल तथा इंटर बटन खाली स्थान पर प्रकट होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए है टाइटल बार, बी फॉर्मूला बार और सी मेनू बार और डी सीट टैब। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा यानी फॉर्मूला बार। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा 24वां क्वेश्चन है रो डाटा कॉलम में कौन सा फंक्शन प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ए है हाइपरलिंक, बी इंडेक्स और सी ट्रांसपोज और डी रोज। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ट्रांसपोज। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है जब आप एक एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में खोलते हैं डाटा खाली स्थान होता है। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। हाइपरलिंक्ड, बी प्लेस्ड इन ए वर्ड टेबल, सी लिंक्ड और डी एम्बेडेड। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा प्लेस्ड इन ए वर्ड टेबल यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान फंक्शन को छोड़कर सभी फंक्शन में उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में आता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए है इफ वी एंड और सी और डी नॉट। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा दोस्तों इफ यानी सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है मैक्रो खाली स्थान मेनू में रन तथा एक्सक्लूडेड होते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं ए इंसर्ट, बी फॉर्मेट, सी टूल्स और डी डाटा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा वह हमारा सही आंसर देखते हैं क्या है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा टूल्स यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है आप खाली स्थान मेनू से कंसोलिडेट करके कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है इंसर्ट, बी फॉर्मेट, सी टूल्स और डी डाटा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी यानी डाटा।
आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। और तीसवा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोस्तों 21वां, वो 21 21 दो क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए 30वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि, नीचे डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं डेफिनेशन। ए इट कैन कंटेन एंड डाटा, और बी है इट कैन बी मॉडिफाइड, और सी इट कैन कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्क शीट एंड चार्ट शीट्स, और डी है यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट इट। आइए देखते हैं हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा सी। सी है हमारा, इट कैन कंटेन मेनी शीट इंक्लूडिंग वर्क शीट्स एंड चार्ट शीट्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ हमारी क्लास पूरी होती है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जिन जिन लोगों के भी CPCET क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, किसी की टाइपिंग नहीं निकली है, तो किसी के कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं निकले हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि जल्दी एक और एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, टाइपिंग कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।